होगा रहेगा। पिछले वर्ष से बाइक रैली के माध्यम से एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जल जंगल जमीन अपना हक अधिकार यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। इसी राजधानी रांची में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत विभिन्न आदिवासी संगठन की ओर से राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में मोटरसाइकिल रैली एवं जुलूस भी निकाले गए। इस मोटरसाइकिल रैली एवं जुलूस में आदिवासी परंपरा की रीत की झलक देखने को मिली। आदिवासी परंपरा का प्रतीक सरना झंडा लिए आदिवासी वेशभूषा में आदिवासी पुरुष महिलाएं युवक एवं युवतियां सम्मिलित रही। बाइक रैली के माध्यम से पिछले साल मणिपुर में घटी घटना के खिलाफ एक सांकेतिक संदेश भी दिया गया। वहीं बाइक जुलूस के माध्यम से राज्य में हो रही आदिवासी जमीन की लूट एवं आदिवासियों के आरक्षण और पेशा कानून को लेकर संदेश दिया गया। हम लोगों का रहेगा। पिछले वर्ष से बाइक रैली के माध्यम से एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जल जंगल जमीन अपना हक अधिकार यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। इसी के संदेश देने के लिए आज का ये बाइक रैली का आयोजन किया गया है। पूरे विश्व में करीब 47 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं और झारखंड में 1 करोड़ के आसपास है और पूरे भारत में करीब 16 करोड़ है। अपना हक अधिकार संस्कृति सभ्यता और भाषा की रक्षा के लिए हम लोग आगे आए हैं। जितने भी युवा हैं झारखंड जितने भी युवा हैं ये एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अपना हक और अधिकार लेने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। इस बाइक रैली के माध्यम से एक संदेश है। जय आदिवासी, जय आदिवासी। किसी के साथ गाली गलौज ना करें। यदि किसी भी तरह का किसी के साथ अनबन हो तो जितनी जल्दी हो सके मंच में उपस्थित जितने भी हमारे जो नेता हैं, हमारे जो अगुवे